पॉडकास्ट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि हमेशा जो है उनकी जोड़ी में आप प्यार देख सकते हैं, चाहे वो आज हो या फिर कल। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? सर बहुत सही है, आप और कर सकते हैं तारीफ। ट्रेलर जो है वो वाकई लोग जो है यूथ कनेक्ट हो रहा है इससे और जानना चाह रहा है कि और क्या मसाला है इसमें। लेकिन मैं आप दोनों से ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं उसके बाद जब रिजल्ट आने का दिन आता है तो धक धक जो है वो दिलों में तेज हो जाता है। ये धक धक जो है वो अब लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा तेज हो गई है हार्टबीट? मतलब एक धक धक तो हो ही जाती है, थोड़ी सी नर्वसनेस है। नर्वसनेस तो होगी लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में और इसमें ये फर्क है कि एग्जाम हम दे चुके हैं, अब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। सो अभी धक धक तो हो रही है लेकिन मुझे ऐसा भी थोड़ी राहत भी मिल रही है क्योंकि इतना पता है कि हम लोगों ने अपना काम कर लिया है, अब होपफुली ऑडियंसेस को पसंद आए, यू नो एक्साइटमेंट भी बढ़ गया। तो एक ऐसी चीज वो कार्तिक और सर आप दोनों की जो रिलीव करना चाहेंगे इससे, बहुत सारी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जब आप लोग शूट भी कर रहे थे लगातार लोग काफी एक्साइटेड थे हर चीज देखने के लिए जब शूट हो रहा था आप लोगों का, जब आप फोटोग्राफर से मुखातिब होते थे जी। तो कोई ऐसा मोमेंट जो रिलीव करना चाहे फिल्म के दौरान? मुझे लगता है कि बहुत सी अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने लिव किए हैं जो शायद हम रिलिव करना चाहेंगे। मुझे अभी भी याद है हमारा पहला जो दिन था शूटिंग का दिल्ली में, वो बहुत स्पेशल था। लेकिन आई थिंक दैट हिमाचल प्रदेश में जब हम शूट कर रहे थे और वहाँ हमने क्लाइमैक्स शूट किया है और वहाँ हमारा लास्ट डे शूट भी वहीं था, तो फिल्म की एंडिंग और शूटिंग की एंडिंग सब वहाँ हुआ था, तो वो एक पार्ट है शायद जो मैं रिलीव करना चाहूँ। हाँ मेरा भी पर्सनली मतलब मैं रिलीव बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मैं मतलब एक सिंगल नहीं बोल पाऊँगा कि कौन सा मोमेंट है, मैंने सिंगल आउट नहीं कर पाता। बट आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मैं सांगला जहाँ पे हमने शूट किया था वो बहुत ही अनरियल लोकेशन थी। एक तो वहाँ पे जाना भी काफ़ी मुश्किलों से जाना पड़ा था एंड आई थिंक इस फिल्म के चलते वो बहाना मिल गया वहाँ पे जाने का।